तव कथामृतं तप्त जीवनं कविपीडितं कल्मषापहं शबनमंगलं श्रीमदाततं भुवि गणन्ति भुरिदा जनाः। जमलार्जुन का स्तब कई दिनों से चर्चा हो रहा था, जो सुन के ठाकुर समाधिस्थ हो गए थे। श्रीमद् भागवतम में दशम स्कंद के दशम अध्याय वर्सेस 29-43 ये पंचदश श्लोक है, इसको जो जमलार्जुन स्तब कहलाता है। अत्यंत भक्ति भाव दीपक जो सुन के ही ठाकुर का समाधि हो गया था, अंत में जब श्री कृष्ण के बाल लीला में उखल से बांधा हुआ श्री कृष्ण के उखल के खिंचाव में जब अर्जुन भिक्षुरूपी नलकुबेर एवं मणिग्रीव को शाप मुक्त हो गया, तब शाप मोचन के बाद उन्होंने भगवान को स्तब किया। उस स्तब सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उनको आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद के उपरांत भगवान ने क्या किया, उन्होंने बताया अब तुम अपने अपने घर चले जाओ। और क्यों घर लौटने के लिए बोला भगवान वो भी व्याख्या कर दिया वर्स नंबर 42 में कि संसार को छुड़ाने वाले जो भक्ति है, भगवत भक्ति है, वो तुम्हें प्राप्त हो गया। जब वो प्राप्त हो गया और तुम्हारे और कुछ करने नहीं है, ये जॉब इज ओवर, अभी तुम लोग अपने अपने घर चले जाओ। तो अब तक जो तपस्या कर रहे थे वृक्षों का बंधन से खड़े हुए भगवान का आराधना कर रहे थे, इतना कठोर तपस्या का जरूरत नहीं। यू अचीव द गोल ऑफ योर लाइफ, नो गेट बैक टू योर नॉर्मल वे ऑफ लिविंग। तो यह है हमारे लक्षणीय बात कि हमारे जीवन का एक टारगेट होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। दैट शुड बी द आखिर टारगेट। वी हैव लॉट ऑफ टारगेट्स इन लाइफ जो कि टारगेट फॉर द टाइम बीइंग, तत्काल के लिए। जब वो पूर्ण हो जाता है तब हम नेक्स्ट टारगेट फिक्स करते हैं, इसी होना चाहिए। लेकिन देयर शुड बी एन अल्टीमेट टारगेट फॉर विच वी आर बॉर्न, जो कि यहाँ पर कहा जाता है कि भगवान को चरण में भक्ति प्राप्त रूपी मूलधन, दैट इज द गोल ऑफ लाइफ, टू सम हाउ एक्वायर ट्रू लव फॉर गॉड। इन दोनों को मिल गया, भगवान कह रहे हैं, सर्टिफिकेट दे रहे हैं। जब भगवान को जो भक्ति प्राप्त हुआ जो कि संसार चक्रण को बंधन मोचन करने के लिए जरूरत होता है, तो संसार बंधन से मोचन रूपी जो भक्ति वो तुम्हें प्राप्त हो गया, इसलिए तुम अभी अपने घर चले जाओ। तब उन्होंने क्या किया कि वो भी यहाँ पर उल्लेखित है वर्ष नंबर 13 में, शिशु को वाच, अभी जो सुखदेव भागवतकार अभी वो कह रहे हैं कि
कि एतद्दो तो परिक्रम प्रणम्य च पुनः पुनः जो भगवान को कहा हुआ ये वाणी सुनकर उन्होंने क्या किया, भगवान को परिक्रमा किया, प्रणम्य च पुनः पुनः और जो भगवान का जो मूर्ति अनुध्यान करते हुए उनको परिक्रमा करके एवं उनको स्तुति करते हुए तो भगवान को जो कह दिया है जो निर्देश पालन करके उत्तर दिशा में चले गए। जगमूर उत्तर दिशोत्तराम, जगमथुर दिशोत्तराम, और किसको किया, बद्धो उलुखलो जा मूर्तिया, भगवान का जो उलुखल में बद्धा हुआ जो मूर्ति को स्तुति करते हुए जगमथुर दिशोत्तराम उत्तर दिशा में अपने घर में चले गए। भगवान जी उनको निर्देश दिया घर में चले जाओ, कारण भी बताया, तो ये सुनकर क्या किया, भगवान को परिक्रमा किया, बार बार प्रणाम किया एवं ये स्तुति करते हुए का आज्ञा पालन करके उत्तर दिशा में चले गए। तब यहाँ पर जो टीकाकार कह रहे हैं, जब भगवान को दर्शन मिला तो भगवान जी से कहा, भगवान अभी लीला प्रदर्शन कर रहे हैं तो चले क्यों गए, भगवान का धरना चाहिए था क्योंकि ये अवसर है, लेकिन कौन भगवान को प्रणाम किया, उखल से बांधा हुआ मूर्ति को। इसमें कह रहे भगवान है निराकार, भगवान को दिखाई नहीं पड़ता है, वो निराकार है, लेकिन अभी क्या है, अभी साकार रूप से प्रतिभात हुआ है एवं किस कारण उनको मिला है, कारण वो बाधा हुआ है, उखल से बाधा हुआ मूर्ति है। यद्यपि भगवान स्वयं स्वेच्छा से बंधन ग्रहण किया, स्नेह का बंधन, नहीं तो भगवान को कौन बांध सकता है, द्वारा ने दिले की पारी धोरी थी, भगवान स्वेच्छा से अपने भक्तों को सलीला करने के लिए बंधन में फंसते हैं ताकि भक्तगण उनको पा सके, भगवान को हम नहीं पहुंच सकते, भगवान स्वयं कृपा करके हमारे पास आते हैं। ताई तुम्हार आनंद हमार पर प्रभु ताई इसे चु नीचे आमाय नईले त्रिभुवनेश्वर तुम्हार प्रेम होते जी मिछे, भगवत भगवान जैसे भक्त जैसे भगवान को चाहते हैं, भगवान वैसे भक्त को चाहते हैं, तो भक्त भगवान को प्राप्त कर सके उनके अवसर देने के लिए भगवान अपना धाम छोड़कर नीचे आकर भक्तों जनों से मिलते हैं।
ये भगवान का अपना जरूरत है, इट इज हिज डिजायर टू मीट विद द डिवोटीज, कि भक्त बिना भगवान रह नहीं सकते। कारण भगवान अकेले पूर्ण नहीं होते हैं, ताई तो तुम्हें हिताई एले नेमे, तुम्हारी प्रेम भक्तक प्राणेर प्रेमे मूर्ति जेथा जुगलो सन्मिलने पूर्ण प्रकाश ही। भगवान का पूर्ण प्रकाश तभी होता है जब उनके साथ भक्त का मिलन होता है। तो अभी ये जो जम कुबेर तीन नल कुबेर एवं मणिग्रीव इन लोग मुक्त हो गए, लेकिन वो देख रहे हैं कि ये जी उखल से बांधा हुआ है, इसीलिए ये सगुन साकार रूप से अभी दिखाई पड़ रहा है। जब तक बांधा हुआ है इस अवसर पर उनको चले जाना चाहिए, नहीं तो भगवान अंतर्धान कर जाएंगे। इसलिए उस समय में परिक्रमा करके उन्होंने अपने स्वधाम पर चले गए, एवं ताकि वो भगवान के साथ बराबर संयुक्त हो सके। ऐसी सुंदर उपाख्यान के माध्यम में भक्तगणों का जो आध्यात्मिक यात्रा ये उल्लेखित हुआ है कि उनकी कोई भी कमियां हो, जब भगवान के आशीर्वाद से उनका मुक्ति हो जाता है, अपना स्वरूप के बारे में उनके ज्ञान पक्का हो जाता है वो कौन है, तब भगवान को प्राप्त होते हुए उनके जीवन धन्य सफल हो जाता है, एवं तब भगवान की इच्छा से जो भी कुछ उनके निर्देश है करते हैं, तब इट इज इमेटीरियल। और आप क्या कर रहे हैं क्यों नहीं कर रहे हैं, भगवान की इच्छा से जो कुछ कराने बोलेंगे दैट इज फाइन, बट द गोल ऑफ लाइफ इज ओवर, टिल देन वी हैव टू कंटिन्यूअसली स्ट्राइव। यही है मैसेज यहाँ पर। हम देख रहे हैं कि भक्तों का जो परिणति भगवान का कृपा से होता है वो सामने रखना चाहिए, और जब तक वो प्राप्त नहीं होता है तब हमें जारी करना चाहिए। Stop not till the goal is reached, but the goal orientation should be always there. We should always keep the goal alive. जो एकदम उसको बारे में ध्यान कभी हमारा चूक नहीं हो जाना चाहिए, उसके लिए continuous प्रार्थना जरूरत है। आंतरिक पुकारने से भगवान अवश्य हमें कृपा करते। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत्सत, श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।